इस वीडियो में आप देखेंगे ड्रामा सीरियल फुल मून की इंटरव्यू ट्रांसलेशन एंड कास्ट बायोग्राफी। नाम चिन्यामन। चिन्यामन तुर्कश इंडस्ट्री के हैंडसम एंड महंगा तरीन अदाकार है। चिन्यामन 8 नवंबर 1989 को तुर्की इस्तनबुल में पैदा हुए। चिन्यामन ने 2012 में यादवपुर यूनिवर्सिटी से लॉ डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन हासिल किया। एक साल तक इन्होंने न्यूज़पेपर के लिए काम किया, फिर अपनी जॉब को अलविदा कह दिया। दो हजार चौदह में चिन्यामन ने गोनन एचलरी सीरियल में काम किया। सीरियल के हिट होने से इन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया। चिन्यामन ने अभी तक 8 सीरियल्स में काम किया है। बेहतर कारकर्दगी पर इन्होंने 4 बेस्ट मेल एक्टर के अवार्ड अपने नाम कर ली है, जो कि इससे पहले किसी भी एक्टर के पास इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं। चिन्यामन ने 2021 के शुरुआत में तुर्की से इटली हिजरत किया है। इनका कहना था कि शूटिंग के लिए इस्तनबुल आऊंगा, बाकी अपनी सारी जिंदगी इटली में गुजारूंगा। तुर्कश इंडस्ट्री में 0.1% नॉन मुस्लिम एक्टर्स है, जिसमें चिन्यामन भी शामिल है। चिन्यामन का रिलीजन क्रिश्चियन है। ऑक्यूपेशन सिर्फ एक्टर है। नेटवर्थ लगभग $10 मिलियन है। नाम उजगी गोरल। उजगी गोरल तुर्कश इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा है, मगर पॉपुलर नहीं, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर फिल्मों सीरियल्स में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल किया है। उजगी गोरल 5 फरवरी 1987 को इस्तनबुल तुर्की में पैदा हुई। इन्होंने बेकेंट यूनिवर्सिटी में 2 साल तक पढ़ाई की, मगर एक्टिंग की शौक की वजह से छोड़नी पड़ी। एक इंटरव्यू में उजगी गोरल का कहना था कि 2009 में मैंने मॉडलिंग ज्वाइन किया, मगर बदकिस्मती से दूसरे दिन से ही मुझे निकाला गया। फिर 2010 में मुझे सीरियल में किरदार करने का मौका मिला, तो मैं एक कामयाब अदाकारा बन गई। उजगी गोरल ने 11 फिल्मों में और 6 सीरियल्स में काम किया है। बेहतर कारकर्दगी पर इनको 2 बार बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया है। नाम उजनूर सरचिलर। उजनूर सरचिलर 1 जनवरी 1987 को कायशेरी तुर्की में पैदा हुई। उजनूर ने मर्सिन यूनिवर्सिटी से म्यूजिक डिपार्टमेंट में आला ग्रेजुएशन हासिल किया है। उजनूर सरचिलर ने 2011 में हयात सीरियल से अपने कैरियर का आगाज किया। उजनूर तुर्कश इंडस्ट्री की कामयाब तरीन सपोर्टिंग अदाकारों में शामिल है। एक इंटरव्यू में उजनूर का कहना था कि बचपन से मैं सिंगर बनना चाहती थी। जब मुझे सीरियल के लिए ऑफर आया तो मैं बहुत खुश हुई थी, तो वहीं पर मैंने म्यूजिक को खैराबाद कह दिया। उजनूर ने 5 फिल्मों और 9 सीरियल्स में काम किया है। अच्छी कारकर्दगी पर इनको 3 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। नाम तुर्को तोरान। तुर्को तोरान 1 फरवरी 1985 को बोर्डरूम मोगला में पैदा हुई। इन्होंने मेवर सिनान यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में आला ग्रेजुएशन हासिल किया। तुर्को तोरान ने 3 साल फॉक्स चैनल के साथ वॉइस ओवर के तौर पर काम किया, फिर जब एक्टिंग करने का मौका मिला तो उन्होंने वो काम छोड़ दिया। तुर्को तोरान ने 14 सीरियल्स में काम किया है। बेहतर कारकर्दगी पर इनको 2 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। इन्होंने लीग ऑफ लेजेंड फिल्म में तुर्कश जुबान में वॉइस ओवर दिया है। नाम इरमाक अनल। इरमाक अनल तुर्की इंडस्ट्री की हॉटेस्ट अदाकारा है। इरमाक 15 फरवरी 1977 को इस्तनबुल तुर्की में पैदा हुई। इरमाक ने अंकारा यूनिवर्सिटी से सिनेमा एंड टेलीविजन डिपार्टमेंट में आला ग्रेजुएशन हासिल किया। उसके बाद इस रेडियो ब्रॉडकास्टर बनकर काम किया। इरमाक अनल को 2 बार तलाक हुआ है। एक इंटरव्यू में इनका कहना था कि मेरी शादीशुदा लाइफ कामयाब नहीं रही, अब मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। इरमाक अनल का ऑक्यूपेशन एक्ट्रेस है। रिलीजन इस्लाम है। प्रेजेंट ईयर 2002 है। नेटवर्थ लगभग $3 मिलियन है।
नाम अलारा बुज़बे। अलारा बुज़बे 7 दिसंबर 1987 को इस्तनबुल तुर्की में पैदा हुई। अलारा बुज़बे ने बीकेंट यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में एक आला ग्रेजुएशन हासिल किया। उसके बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। अलारा बुज़बे उन अदाकारों में शामिल है जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में कामयाबी हासिल की हो, मगर इनकी बचपन की कामयाबी ज्यादा देर तक टिकी नहीं रही, तो इन्होंने जवानी में फिल्मों का रास्ता अपना लिया। नाम उज़लम तोरे। उज़लम तोरे तुर्किश इंडस्ट्री की उल अदाकारा है। उज़लम 11 सितंबर 1981 को अजमेर तुर्की में पैदा हुई। उज़लम ने अंकारा यूनिवर्सिटी से थिएटर डिपार्टमेंट में आला ग्रेजुएशन हासिल किया। इससे पहले 1999 में इन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया था। एक इंटरव्यू में उज़लम का कहना था कि बचपन से मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, मगर गुर्बत की वजह से आगे ना आ सका और अब अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गई हूँ। नाम बालामेर इमरन। बालामेर इमरन 1985 को अजमेर तुर्की में पैदा हुए। बालामेर ने बीकेंट यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में आला ग्रेजुएशन हासिल किया। उसके बाद टीवी के साथ काम करना शुरू किया तो एक बेहतरीन अदाकार बन गए। नाम निसिप मिमली। निसिप मिमली 27 मई 1980 को अदाना तुर्की में पैदा हुए। निसिप मिमली ने मुतशिम यूजुअल सीरियल से अपने कैरियर का आगाज किया। इन्होंने ज्यादातर सीरियल्स में सपोर्टिंग एक्टर का रोल अदा किया है। इनकी बेहतर कारकर्दगी की वजह से इन्होंने 36 बेहतरीन एंड सुपर हिट फिल्मों और सीरियल्स में सपोर्टिंग एक्टर का रोल किया है। इन अदाकारों में कौन सा अदाकार आपके फेवरेट है कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अभी के लिए खुदा हाफिज़।